दिल्ली से गुरुग्राम सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर सोहना एलिवेटेड हाईवे को शुरू कर दिया गया है और इस हाईवे का निर्माण बहुत समय से चल रहा था। सबसे खास बात यह है कि नितिन गडकरी ने बिना उद्घाटन के ही इस हाईवे पर यातायात शुरू करा दिया, तब से वो एक बार फिर से चर्चा में है। आमतौर पर ऐसी परंपरा रही है कि संबंधित मंत्री या कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति औपचारिक रूप से नारियल फोड़ता है या फीता काटकर उद्घाटन करता है, तब हाईवे पर गाड़ियां दौड़ती हैं। लेकिन 21 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले सोहना हाईवे के उद्घाटन को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई तो केंद्रीय मंत्री गडकरी के निर्देश पर हाईवे को खोल दिया गया। अब गुरुग्राम के दक्षिणी छोर तक पहुँचने के लिए लोगों को सिग्नल फ्री रोड मिल गई है। दरअसल गडकरी हाईवे का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि हाईवे को यातायात के लिए बाद में खोला जाएगा। हालांकि गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से कहा कि औपचारिक रूप से उद्घाटन की तारीख का इंतजार किए बगैर ट्रायल के लिए रोड को खोल दिया जाए। जैसे ही गडकरी ने ट्विटर पर सोहना हाईवे के बारे में पोस्ट किया, NHAI ने रोड के पैकेज 1 राजीव चौक से बादशाहपुर 8.9 किलोमीटर के हिस्से को खोल दिया। दूसरा सेक्शन पैकेज 2 1 अप्रैल को ही खोल दिया गया था। एलिवेटेड कॉरिडोर 7 किलोमीटर का है और यह अलग अलग हिस्सों में है। सबसे लंबा 4 किलोमीटर गुड़गांव में है, जहां से हाईवे शुरू होता है। दरअसल उद्घाटन क्यों नहीं हुआ, इस पर गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विदेश में है। क्योंकि रोड जनता के लिए बनाई गई है, ऐसे में ट्रायल रन शुरू करने का फैसला किया गया। सोहना एलिवेटेड रोड असल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। 2000 करोड़ में बनी ये रोड गुरुग्राम और सोहना के बीच की दूरी कम करेगी। 21 किलोमीटर हाईवे के बनने से लोग वाटिका चौक जैसे इलाकों में जाम से बच जाएंगे। अभी इतनी दूरी तय करने में करीब 1 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अब 15 से 18 मिनट ही लगेंगे। दिल्ली से जाने वाले लोगों को फायदा ये होगा कि वो साउथ गुरुग्राम तो जल्दी पहुंच ही जाएंगे, अब अलवर यानी राजस्थान पहुंचना भी आसान हो जाएगा। ये 6 लेन का हाईवे है। इससे पहले इस साल 1 अप्रैल को एलिवेटेड हाईवे को बादशाहपुर से सोहना तक के लिए शुरू किया गया था। जाहिर है इस हाईवे के शुरू होने से यात्रियों के वक्त और ईंधन दोनों की बचत होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।